सो दोस्तों, वीडियो की थंबनेल देख के आप लोग को ऑलरेडी पता है कि आज की टॉपिक किसके बारे में होने वाली है। सो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सत्य, आप सभी को मेरे चैनल में स्वागत है। अगर आप इस चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को जरूर दबा देना। सो दोस्तों, पिछले वीडियो मैंने आपको बताया था कि फ्लाइट मोड में इंटरनेट चलाने के लिए एक कोड डायल करना पड़ता था आपके फ़ोन में, ताकि वो कोड डायल करने के बाद एक सेटिंग आपके सामने आ जाएगी, देन उस सेटिंग्स को आप ऑन करके आपके फ़ोन में फ्लाइट मोड में भी इंटरनेट चला सकते। बट जिस कोड के बारे में मैंने बताया था, उस कोड कुछ फ़ोन में काम नहीं कर रहा है। सो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप मैनुअल उस सेटिंग्स को कैसे ऑन करनी है, ठीक है। सो वीडियो को बिना स्किप करें एंड तक जरूर देखना, ताकि आपको डिटेल्स में पता चले कि मैनुअल उस सेटिंग्स को कैसे ऑन करनी है एंड फ्लाइट मोड में इंटरनेट को कैसे चलानी है। सो एंड में वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड कुछ वैल्यूएबल कमेंट्स ड्रॉप कर देना। अगर इस चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर देना। सो देरी ना करती है, चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहली बात, अगर आप फ्लाइट मोड में इंटरनेट चलाने के लिए चाहते हैं और मैनुअल सेटिंग करने के लिए चाहते हैं, तो उससे पहले आपको आपकी इंटरनेट ऑन करनी चाहिए। उसके बाद आपकी फ़ोन में जो फ्लाइट मोड है उसको ऑन करनी चाहिए, ठीक है। इंटरनेट ऑन करना है, उसके बाद फ्लाइट मोड ऑन करनी है, ठीक है। देन आपको आपकी जो फ़ोन में सेटिंग्स होता है, सेटिंग के अंदर आपको जानी है, ठीक है। तो मैं अभी सेटिंग के अंदर जाके आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। सो सेटिंग को आपको ओपन करनी है। ओपन करने के बाद आप यहां पर देख सकते हैं अबाउट फ़ोन का एक ऑप्शन आ रहा है। सो आपको अबाउट फ़ोन के ऊपर क्लिक करनी है। देन आप यहां पर देख सकते हैं ऑल स्पेसिफिकेशन का एक ऑप्शन आ रहा है, तो आपको ऑल स्पेसिफिकेशन पर क्लिक करनी है। देन थोड़ी नीचे आनी है स्क्रॉल करके नीचे आने के बाद आप यहां पर देख सकते हैं इंटरनल स्टोरेज का एक ऑप्शन आ रहा है। सो इसके ऊपर 5 बार कंटिन्यूसली आपको क्लिक करनी है, ठीक है। सो चलो मैं करके आपको दिखाता हूँ, ठीक है। देखो, 5 बार क्लिक करने के बाद यहाँ पर आ गया फ़ोन इन्फॉर्मेशन 1, फ़ोन इन्फॉर्मेशन 2। सो अगर आपकी सिम 1 में डाटा है तो आपको इन्फॉर्मेशन 1 चूज करनी चाहिए, और 2 में है तो 2 को चूज करनी चाहिए। सो इसको ओपन करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं मोबाइल रेडियो पावर का एक ऑप्शन होता है, इसको ऑन करनी है, ठीक है। ऑन करने के बाद ये वन टाइम जंपिंग होगा, उसके बाद कनेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। देन आप यहाँ पर देख सकते हैं इंटरनेट कनेक्ट हो गया है। सो मैं कुछ ब्राउज़ करके आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। सो ये मेरा यूट्यूब चैनल है, मैं अभी मेरे एक वीडियो प्ले करके आप लोग को दिखा देता हूँ, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये मेरा चैनल ओपन हो गया है। सो अभी वीडियो प्ले करके आप लोग को दिखा देता हूँ, ठीक है। सो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये भी वीडियो अभी प्ले हो रहा है, ठीक है। सो आप भी चाहेंगे तो इस तरीके से आपकी जो फ़ोन में फ्लाइट मोड होती है, फ्लाइट मोड को ऑन करके इंटरनेट यूज कर सकते हैं। सो आई होप ये मेरा इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड कुछ वैल्यूबल कमेंट्स ड्रॉप कर देना। सो आज के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।